खबर चित्तौड़गढ़ जिले से है, जहां चित्तौड़गढ़ जिले के भैंस रोड गढ़ थाने पर तैनात एक एएसआई के रिश्वत लेने के मामले में एसीबी चित्तौड़गढ़ के ने प्रकरण दर्ज किया है। प्रार्थिनी ने स्वयं ही वीडियो साक्ष्य के साथ रिपोर्ट एसीबी में दी है। इस पर एसीबी ने प्रकरण दर्ज कर मामले में जांच शुरू कर दी है। साथ ही रिश्वत लेने के आरोपित एएसआई को लाइन हाजिर करने की बात भी सामने आई है। एसीबी चित्तौड़गढ़ के एएसपी कैलाश सिंह साधु ने बताया कि डीआईजी राजेंद्र प्रसाद गोयल भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर रेंज उदयपुर के निर्देशन में कार्रवाई की गई है। इसमें भैंस रोडगढ़ थाने के एएसआई प्रेमाराम जाट के विरुद्ध परिवादी लादूलाल सालवी ने 40,000 रुपये की रिश्वत राशि ग्रहण करने का मुकदमा दर्ज करवाया गया। एएसपी ने बताया कि 12 फरवरी को परिवादी लादूलाल सालवी निवासी नेगाड़िया कला ने एसीबी चित्तौड़गढ़ पर उपस्थित होकर एक लिखित प्रार्थना पत्र वे अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग की गई वीडियो क्लिप पेश की। इस पर अग्रिम कार्रवाई करते हुए पाया गया कि एएसआई प्रेमाराम ने परिवादी के भांजे पूरणमल सालवी के विरुद्ध पुलिस थाना भैंस रोडगढ़ में दर्ज प्रकरण में मामले को हल्का करने, आरोपी से मारपीट नहीं करने एवं सबूत नष्ट करने की अवेज में 50,000 रुपये की मांग की थी। बार गेनिंग के बाद 40,000 रुपये की रिश्वत राशि परिवादी से ग्रहण की गई। घटना 7 फरवरी की है। तो वीडियो बना, एसीबी में पेश किया एएसआई ने। एएसआई ने 40,000 की रिश्वत की मांग की थी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता अखिल तिवारी। अखिल, क्या पूरा मामला है? खुद ही एएसआई पहुंच गया और अपने साक्ष्य दे दिए एसीबी को, क्या कुछ कार्रवाई इस समय? जी, एसीबी ने एएसआई के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। और पुलिस अधीक्षक को जब इस मामले की जानकारी हुई तो एएसआई पेमाराम को उन्होंने लाइन हाजिर करने का आदेश दिया है। प्रार्थी जो लादूलाल सालवी है उसके भांजे को के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज था, पूरणमल सालवी के खिलाफ जी, उसको रिलीफ देने के एवज में 40,000 की रिश्वत ली गई थी। लेकिन जो प्रार्थी था उसने स्वयं ने ही सतर्कता दिखाई और एएसआई को रिश्वत देने का वीडियो स्वयं ने बनाया और एसीबी के सामने पेश करके लिखित में शिकायत दी। ठीक है, अभी क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है एसीबी की तरफ से? एसीबी की ओर से एक दिन पूर्व ही इसमें मुकदमा दर्ज हुआ है और जांच शुरू कर दी है। प्रार्थी ने जो शिकायत दी थी उस शिकायत पर जांच की जा रही है। प्रार्थी को बुलाया गया है और उसके बयान दर्ज होंगे इस मामले में। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अखिल इस तमाम जानकारी के लिए।